गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर। जैसे कि आप लोगों का ईवीएस सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 15 क्लास में पढ़ाई हो चुकी है, बट इसका क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया है। तो आज मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर भेज दे रही हूँ। आप लोग वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और नोट करने के बाद इसको याद कर लीजिएगा। और जैसे ही स्कूल खुलेगा, खुलने के बाद स्कूल जब रन करेगा तो आप लोग कॉपी अपनी सबमिट कीजिएगा, होमवर्क कॉपी उसको चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, चैप्टर 15 है ट्रैवल एंड करेंसी। पेज नंबर 87, प्रैक्टिस टाइम ए नंबर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन का नंबर 1, व्हीकल्स दैट आर नॉट ऑनड बाय अस आर कॉल्ड प्राइवेट व्हीकल्स, पब्लिक व्हीकल्स और कंपनी व्हीकल्स। इसका बी नंबर आंसर होगा, सॉरी बी नहीं ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स ऑफ इंडिया हैज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। दो नंबर का आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 3, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मनी, सॉरी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मनी। ए नंबर है पाइस, दो नंबर है रुपी, तीन नंबर है पाइस। ए नंबर पैसे, दो नंबर रुपी, तीन नंबर पाइस। तो इसका सी नंबर होगा पाइस। पाइस में आप लोग टिक कीजिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 88, आंसर इन वन वर्ड। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी कॉल द व्हीकल्स दैट आर यूजुअली ऑनड बाय अस। इसका आंसर होगा प्राइवेट व्हीकल्स। दो नंबर है, व्हाट इज द मनी मेड ऑफ पेपर कॉल्ड, दो नंबर का आंसर होगा पेपर मनी। नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया, करेंसी ऑफ इंडिया इसका 3 का आंसर होगा रुपी। अब हम लोग आते हैं नंबर सी। सी में है टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, मनी क्वेश्चन जितने भी हैं आप लोग बुक में देखिएगा, मनी इज अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स या वैल्यूज, इसका होगा वैल्यूज। नंबर 2, अ करेंसी नोट हैज 1 फेस और 2 फेस, इसका 2 फेस करेक्ट आंसर होगा, 2 फेसेस। नंबर 3, वी हैव टू बाय टिकट्स फॉर प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल्स, 3 का आंसर होगा पब्लिक व्हीकल्स। नंबर डी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू वी पे फॉर ट्रैवलिंग, आंसर नंबर होगा, आंसर नंबर 1 का आंसर, वी पे फॉर बाइंग टिकट्स फ्यूल्स एंड द सर्विसेज दैट is offered to us when we travel. Question number 1 का आंसर हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉइन्स आर ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। सिक्कों का, कॉइन्स मीन्स सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व क्या है, उसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, वो क्या है। आंसर है कॉइन्स आर ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। सिक्के का भारतीय इतिहास में बहुत ही बड़ा महत्व है। द पिक्चर्स एंड वर्ड्स रिटन ऑन द कॉइन्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन द पास्ट। सिक्कों में देखिएगा पिक्चर्स तस्वीरें होती हैं और उसमें वर्ड्स यानी कुछ शब्द लिखे होते हैं जो हमें जिस समय के सिक्के होते हैं उस समय के सिक्के में जो आपका पिक्चर यानी तस्वीर और जो शब्द लिखा रहता है वो उस समय के आदमी लोग किस तरह रहते थे, पास्ट यानी बीते हुए समय में कैसे रहते थे, ये चीज हमें वो इंफॉर्मेशन हमें वो सूचना देता है और ये चीजें हमें वो दर्शाता है। नंबर 3, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर नेशनल एम्बलम। राष्ट्रीय चिन्ह हमारे तिरंगे झंडे को आप लोग देखे ही होंगे, उसमें राष्ट्रीय चिन्ह होता है जो उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हमें
आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा उसे बढ़ाकर उसके बारे में बताना है। तो उसका आंसर है आवर नेशनल एम्ब्लेम हैज बीन टेकन फ्रॉम द अशोका स्पिनर एट सारनाथ। हमारा जो राष्ट्रीय जो चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है, वो कहाँ से लिया गया है? अशोका का जो पिलर स्तंभ है जो कि सारनाथ में स्थित है, उसी से ये हमारा जो चिन्ह है वो लिया गया है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ फोर लायंस, उसमें चार लायन के चिन्ह, उसमें चार लायन का चित्र बना हुआ है, लेकिन जनरली हमें तीन ही लायन दिखाई देते हैं। वी सी ओनली थ्री लायंस, हमें वो तीन ही दिखाई देते हैं। एक पीछे की तरफ होता है जो दिखता नहीं है। दे रिप्रेजेंट पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। और ये जो तीनों जो लायंस हैं, ये किसके प्रतीक हैं? ये क्या दर्शाते हैं? हमारी शक्ति को, करेज यानी हमारे उत्साह को, और कॉन्फिडेंस हमारे आत्मविश्वास को। ये तीनों चीजें हमें ये दर्शाते हैं। द मेन मोटो ऑफ नेशनल एम्ब्लेम इज सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह जो है उसका मेन मोटो क्या है? सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रूथ एलोन ट्रिम्स। जो यह हमें दर्शाते हैं, इसका मतलब होता है कि सच्चाई जो है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस तरह आप लोगों का ये चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट करेंगे कॉपी में और याद भी करेंगे। और चैप्टर 16 आप लोगों को सर पढ़ा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का चैप्टर 16 का क्वेश्चन आंसर भेजा जाएगा। ओके, थैंक यू।